नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट इज ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर बहुत सारे यहाँ पर कंपाउंड्स लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं, जिनसे यहाँ पर NADH2 एंड FADH2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो प्रोटॉन को तो इंटर मेम्ब्रेन में सेट करते जा रहे हैं, मूव करवाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे उनके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस में मूव कर रहे हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन एंड इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को हटाने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन पास करेगा कॉम्प्लेक्स से, जिससे ATP जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली जो ग्रेडियंट जनरेट हुआ है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट इज ऑब्जर्व, कम्प्लीटली केमिकल नहीं है, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल नहीं है, ऑस्मोटिक भी नहीं है, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कॉम्प्लेक्सेस से एंड प्रोटॉन इकट्ठा होता जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्टेट में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।